नमस्ते दोस्तों, आज बना रहे हैं पनीर की काफ़ी स्वादिष्ट बनने वाली सब्ज़ी। ये मैंने दोस्तों पनीर ले लिया है और मूंगफली के दाने, काजू दोस्तों जार ले लिया है। इसमें मूंगफली के दाने और काजू को डाल देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इनको ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। जार ले लेंगे दोस्तों, इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे, अदरक और लहसुन डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च और लौंग डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इनको भी पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने एक बाउल में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिए हैं, काला नमक डाला है दोस्तों। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, 1/2 चम्मच नमक डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं दोस्तों। इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी मिला दिए हैं और इनको मसालों और तेल को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। दोस्तों एक बार आप पनीर की सब्ज़ी इस तरह से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी, काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। इसमें हमने कटे हुए पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं, सारे पनीर को हम डाल देंगे। दोस्तों सारे पनीर हमने डाल दिए हैं और मसालों और पनीर को अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पनीर और मसालों को अच्छी तरह कोट कर दिया है। दोस्तों पैन रख दिया है हमने गैस पे और जो पनीर हमने मसालों में डाल के तैयार किया था उसको इस पर डाल देंगे पैन पे और इनको धीमी आंच पे लाल कर लेंगे। दोस्तों तेल हमने पैन में नहीं डाला है, पनीर में तेल हमारा पहले से ही पड़ा हुआ है। इनको धीमी आंच पे लाल कर लेंगे। फ्रेंड्स, पनीर हमने निकाल लिया है, पैन रख दिए हैं और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें जीरा डाल दिए हैं दोस्तों और जो हमने अदरक लहसुन प्याज और जीरा का पेस्ट बनाया था इसको डाल देंगे और धीमी आंच पे अपने मसालों को भूनेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी कम सामान से ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे दोस्तों, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे हमारी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। मसालों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों मसालों को मिक्स कर दिए हैं, इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। दोस्तों नमक कम ही डालेंगे, पहले भी पनीर में हमने नमक मिलाया था और मसालों को मिला देंगे। दोस्तों काजू और मूँगफली का जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया था वो इसमें मसालों में ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, चला देंगे अपने मसालों को और आँच को धीमा ही रखेंगे। दोस्तों देखिए मसाले हमारे भून रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है जिससे मसाले हमारे जले नहीं। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इनको धीमी आँच पे भूनेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है और मसालों को मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मसाले हमारे भून रहे हैं, इसमें जो पनीर हमने फ्राई किया था पनीर ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से मसालों में पनीर को मिला देंगे। दोस्तों बहुत ही हल्के हाथों से चलाएंगे जिससे पनीर हमारे टूटे नहीं। दोस्तों आप विश्वास कीजिए, आप इस तरह से एक बार सब्ज़ी बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी, काफ़ी रिच बनती है इस तरीके से सब्ज़ी। देखिए दोस्तों मसाले हमारे भून रहे हैं, इनको फिर से चला देंगे, हल्के हाथों से ही चलाएँगे। दोस्तों धीमे आँच पे ही मसालों को हम भून रहे हैं, मसालों को हमने मिक्स कर दिया है। इसमें हमने कसूरी मेथी और हरी धनिया पत्ती डाल दिए हैं दोस्तों और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। दोस्तों देखिए सब्ज़ी में बॉयल आ गया है, चला देंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों यहाँ पे ग्रेवी हमने गाढ़ी रखी है, आप चाहें तो अपने अनुसार ग्रेवी रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसको बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी पनीर की रेसिपी तैयार हो गई है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।